हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं ये हालांकि जेई मेन 2023 अप्रैल अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, बट ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर एनटीए का भी गलत है। जब एनटीए ने आंसर की रिलीज करी ना तो इसका आंसर गलत है, जेई मेन 2023 अप्रैल अटेम्प्ट। कई लोगों ने इसको सॉल्व भी गलत करा, बच्चों ने भी करा गलत। जब मतलब एनटीए के सोल्यूशन में गलती हो सकती है तो बच्चों में भी हो ही सकती है गलती, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, अप्रैल अटेम्प्ट ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट से हिलना नहीं है। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और आप एक बार खुद से ट्राई करिए, और अगर आपका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो अपनी कॉपी में लिखे रहने दीजिए और देखिएगा, फिर मेरे को बताइएगा कि क्या आप इसको सही तरह से सॉल्व कर पाए, क्या आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। तो आपको गिवन है नंबर ऑफ वेज ऑफ गिविंग 20 डिस्टिंक्ट ऑरेंजेस टू 3 चिल्ड्रन सच दैट ईच चाइल्ड गेट्स एटलीस्ट वन ऑरेंज। अब जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना तो आप में से मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब बच्चे क्या टीचर भी इसको बैगर मेथड के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं, क्योंकि वैसे सवाल जो बैगर मेथड में आते हैं और जनरली हमारे मन में हो जाता है कि ऑरेंज तो सेम ही होंगे, तो हम तुरंत बैगर मेथड लगा देते हैं। बेसिकली हम आंसर निकाल देते हैं कि 20 ऑरेंज है, 20 में से एक 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 सबको दे दिया तो 17 रह गए, 17 में दो वॉल सी दो, तो हम फटाफट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। बेसिकली 19 सी टू, तो वो बन गया 19 इंटू 18 अपॉन 2, तो ये बन गया आपका 9, तो 9 9 81 एंड 171, ये वाला आंसर दे देते हैं लोग, जो कि एकदम गलत है। एनटीए का ऑफिशियल आंसर भी यही वाला था जब पहली बार आंसर किया थे, बाद में चेंज हुआ कि नहीं हुआ आई डोंट नो, बट पहली बार तो यही था, उसके बाद शायद बोनस हो गया हो तो हो गया हो ना, वो मैंने फॉलो अप नहीं किया, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये गलत है, कहते क्यों, अरे यार साफ साफ ही गिवन है यहाँ पे, पेपर सेटर ने लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट ऑरेंजेस है। ठीक, डिस्टिंक्ट है तो बैगर मेथड नहीं लगा सकते, डिस्टिंक्ट है तो फंडामेंटली बैगर मेथड तो लगेगा ही नहीं, वो खत्म ही हो गई बात। तो कहते आप कैसे करेंगे, अब आपको इसको PNC के बेसिक लॉजिक के साथ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम टोटल केसेस निकालते हैं, है ना, टोटल कितने केस आएंगे। कहते टोटल तो यार पहले ऑरेंज के पास 3 ऑप्शन है, दूसरे ऑरेंज के पास भी 3 ऑप्शन है, तो हर एक ऑरेंज के पास 3 ऑप्शन है तो 3 की पावर 20 टोटल केस बनने चाहिए, है ना, आपके पास भाई 3 3 3 ऑप्शन। लेकिन इसमें ऐसे केसेस होंगे जिसमें सारे ऑरेंज केवल एक ही व्यक्ति को मिले, एक व्यक्ति था जिसको सारे ऑरेंज ही मिल गए, वो वाला केस तो माइनस करना ना, दो लोग खाली बैठ गए भाई, वो तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें एटलीस्ट वन कराना था। क्या ऐसे इसमें केस हो सकते हैं जिसमें सारे ऑरेंजेस एग्जैक्टली दो ही लोगों को मिले, तीसरे को कुछ भी नहीं मिला, ठीक, वो केस माइनस करने। अब एग्जैक्टली एक को ऑरेंज देने के कितने तरीके हैं भाई, 20 के 20 ऑरेंज उठाओ, उठा के पहले बंदे को दे दो या दूसरे को दे दो या तीसरे को दे दो, तीन ही तरीके हुए भाई, या तो राम को दे दो या शाम को दे दो या आम को दे दो, तो ये 3 केस माइनस कर दिए, एग्जैक्टली 2। अब आपको क्या सोचना कि किन्हीं 2 को ही देने, पहले सेलेक्ट करो कि वो कौन से 2 बंदे होंगे जिनको आप ऑरेंज देने वाले हो, वो आपने मान लो सेलेक्ट कर लिया। अब उनको आपने मान लीजिए वो ये 2 बंदे हैं, इनको आपने ऑरेंज देने शुरू करे, तो हर ऑरेंज के पास 2 2 तरीके हैं, तो 2 की पावर 20 बन गया। लेकिन हुआ क्या यहां पे कि इसमें भी ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें या तो सारे ऑरेंज इस व्यक्ति को मिल गए, एक केस वो बन सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे ऑरेंज इसको मिल गए, वो वाला भी हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली 2 लोगों में ऑरेंज बांटे जाए, सच दैट एटलीस्ट एक एक जरूर मिले उनको। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन 2 में बांट रहे हैं जब तो एक को ही सारे मिल गए, वो तो फिर पहले ही केस हम इंक्लूड कर चुके हैं ना, उसको डबल डबल बार इंक्लूड करने का तो क्या फायदा है? तो ये आपके पास कुछ इस तरह से फ्रेम होगा क्वेश्चन, है ना, दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी फ्रेम। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। अब सिंस ये जेई मेन में क्वेश्चन है, भाई घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते तो चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे छोड़ देते, अब ये पेपर में आया क्वेश्चन ये तो इंटीजर टाइप है। अब प्रॉब्लम ये है कि सर 3 की पावर 20 को इवैल्यूएट थोड़ी कर पाएंगे, 3 की पावर 20 को भाई इवैल्यूएट करना बड़ा मुश्किल है, अभी पेपर पेपर में क्या, घर पे बैठ के भी इवैल्यूएट करना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से
ये क्वेश्चन एक्चुअल में तो बोनस ही होना चाहिए, क्योंकि इसके आंसर को आप पेपर में लिख नहीं पाएंगे, ठीक है, एज सच। तो क्वेश्चन में एक्चुअल में जो एग्जामिनर बनाना चाहता था वो आइडेंटिकल वाला बनाना चाहता था, लेकिन वो मिसप्रिंट हो गया या ध्यान नहीं दिया किसी ने, उसकी वजह से यहाँ पे डिस्टिंक्ट शब्द आ गए, जिसकी वजह से आपका जो आंसर है वो मतलब निकल तो गया, ऐसे ऐसे नहीं कह रहा निकल नहीं सकता, निकल गया आंसर तो निकाल लिया हम लोगों ने, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उसको इंटीजर टाइप में यहाँ पे रिप्रेजेंट करना इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल, ठीक है। और इस वजह से ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बच्चों को परेशान भी किया, क्योंकि जिनको आता था है ना पेपर में, तो उन्होंने ऐसे सॉल्व किया। अब ऐसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वो हमारा लिखने का मन नहीं कर रहा, कैसे लिखें उसको इंटीजर टाइप में ना, वो एक प्रॉब्लम थी। तो और जिन्होंने इग्नोर करके कर दिया 171, उन्होंने जरूर 171 कर दिया बैगर मेथड लगा कर लिया, वो वैसे ही गलत है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, आई होप आपने इंजॉय किया इसको। और भी कई सारे क्वेश्चन है HSB सीरीज में आपको दिखेंगे, प्लेलिस्ट मैंने बनवा दी है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स में शेयर करिएगा आपको और कौन से चैप्टर्स पे क्वेश्चंस पहले चाहिए, और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, मेरे को थोड़ा मोटिवेट करते रहिएगा ताकि मैं रेगुलरली ये वीडियोज जो है वो पोस्ट करता रहूँ, और हम छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से अच्छे अच्छे सवालों को रिवाइज कर पाए, है ना। ज़्यादातर हम एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स पिक करेंगे, बीच बीच में ऐसे कुछ अच्छे मेंस के सवाल जो हैं वो भी पिक कर लेंगे, बट मोस्टली इट विल बी PYQ जे एडवांस और द एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स दैट विल बी टेकिंग अप इन दिस सीरीज। सम PYQ जेई मेंस कैन ऑल्सो भी टेकन, है ना, जैसे मैंने पहले कहा, ठीक है। ऑल राइट, आई होप दिस वॉज गुड, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन, बाय बाय, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।